नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जया, आपकी योगा टीचर। कैसे हैं आप सभी? और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योग नमस्ते में। प्रेगनेंसी योगा स्पेशल अध्याय में आज सीखेंगे पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कैसा हो आपका योगासन प्रैक्टिस, यानी वो कौन कौन से आसन हैं जो करने चाहिए और बिल्कुल सुरक्षित हैं सभी गर्भवती महिलाओं के लिए। फर्स्ट ट्रिमेस्टर बहुत ही नाजुक फेज होता है, डेलिकेट फेज होता है और ऐसे में आपको तनाव से दूर रहना चाहिए और अपने शरीर को भी रिलैक्स रखना चाहिए। आप अगर फर्स्ट ट्रिमेस्टर के सिम्टम्स देखेंगे तो सिम्टम्स भी इस तरीके से हैं कि मॉर्निंग सिकनेस होती है, थकान रहती है, उल्टी आती है, नौजिया रहता है, खाने का मन नहीं करता, जी मिचलाना, कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। तो ये सारे जो संकेत हैं हमारे शरीर के, वो इशारा करते हैं कि हमें इस फेस में पहली तिमाही में काफ़ी आराम की ज़रूरत है, रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। और ऐसे में कोई भी आसन जो आपको स्ट्रेस में डाल सकता है या थोड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो सभी आसन हमें अवॉइड करने चाहिए। चाहे आप बहुत अच्छे योगा प्रैक्टिशनर हो या फिर आप बिगिनर हो, स्टिल आपको इस फेज में फर्स्ट ट्रिमेस्टर पहली तिमाही में जेंटल प्रैक्टिस करनी चाहिए, जेंटल योगासना प्रैक्टिस। तो आज हम सीखेंगे 5 योग आसना जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में स्पेशली इसे करना चाहिए और इसे आप घर पे कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपका जो स्पेस है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे वो क्लीन हो, साफ सुथरा हो। दैट्स इट, अपने योगा मैट पर आ जाएं। पहला आसन है सुख आसन, सीटेड कंफर्टेबल पोज। ये आसन दिखने में बहुत ही सरल और सामान्य है, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे और 5-10 मिनट इसमें बैठने का प्रयास करेंगे तो 5-10 मिनट में ही ये आसन सुखासन से दुखासन बन चुका होता है और शरीर में अलग अलग तरह की संवेदनाएं शुरू हो जाती हैं। कहीं खुजली हो रही है, जलन हो रहा है, चुभन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये सब झलकने लगता है। लेकिन गर्भावस्था में इसका फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बहुत उपयोग है, क्योंकि इस आसन के प्रैक्टिस से आपका पोश्चर ठीक हो जाता है और गर्भवती महिला के लिए पोश्चर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बैठने और सोने और चलने फिरने का जो आपका पोश्चर है वो बेहतर हो, अच्छा हो, सही हो। तो इसे करने के लिए आप क्रॉस लेग बैठ जाएंगे। जैसे मैं क्रॉस लेग बैठी हूँ, आमतौर पर गलतियाँ क्या हो जाती हैं, लोग क्रॉस लेग ऐसे बैठते हैं, तो एक घुटना नीचे है, एक घुटना ऊपर है। तो आपका जो नी का डिस्टेंस है मदर अर्थ से, वो बराबर होना चाहिए। तो आप इसे अपने पैर को थोड़ा सा आगे ले आए। अब दोनों नीज मदर अर्थ से बराबर ऊंचाई पर, लेकिन क्या होगा कि घुटने ऊपर हैं और हिप नीचे है, तो लंबा बैठ नहीं पाएंगे, आप थकने लगेंगे। तो आप हिप को थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए मैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ये मैट है, इसके ऊपर आप बैठ सकते हैं। तो हिप हल्का सा ऊपर आ गया। अब आप इस आसन में लंबे समय तक बैठ सकते हैं या फिर कंफर्टेबली आप टॉवल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ब्लॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब इस आसन में बैठना है आपको और बैठने के साथ इस आसन में अपने शरीर को खोलना है। हाथों की पोजिशन कंफर्टेबल रख सकते हैं, तो कंडीशनिंग करेंगे। अब एक हाथ को अपने बच्चे के पास लेके जाएं, दूसरे हाथ को अपने हृदय के पास लेकर आए। धीरे से आंखें बंद, लंबी गहरी सांस ले और छोड़ें। अपने आप को शांत करें। अपने मन को शांत करें, शरीर को शांत करें। महसूस करें अपने दिल की धड़कनों को, महसूस करें अपनी सांसों को। इस वक्त आप अपने बच्चे को तो महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी सांसों को और धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जहां जहां आपका ध्यान जाता है वहीं वहीं आपका प्राण का विस्तार होता है। तो अपने ध्यान को अपने
यूट्रस की तरफ, अपने बच्चे की तरफ लेके जाएं और आंखें बंद करके 3 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। धीरे से आंखें खोलें, रिलैक्स। अब इसी आसन में हम पूरे शरीर को धीरे धीरे खोलने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ शोल्डर्स, कंधों से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे योग में हमारा जो भी मूवमेंट होता है शरीर का, वो सांसों के साथ होता है। तो जब शोल्डर का मूवमेंट भी करेंगे तो सांसों के साथ, जैसे सांस बढ़ते हुए आगे की तरफ से शोल्डर को ऊपर लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ से नीचे, सांस बढ़ते हुए आगे की तरफ से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरी तरफ से रोटेशन करेंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ से ऊपर लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ से नीचे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ से नीचे। रिलैक्स, वेरी गुड। गलती क्या होती है कि जब भी हम शोल्डर रोटेशन की बात करते हैं तो लोग सांसों को भूल जाते हैं, लोग ऐसे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे आप 10-15 बार, 20 बार, कितनी बार भी कर ले, लेकिन असर नहीं होगा। योग में असर तभी होता है जब आपका मूवमेंट सांसों से जुड़ा हुआ। अगला, गर्दन का मूवमेंट करेंगे तो गर्दन को भी सांसों के साथ मूव करना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, बिल्कुल भी झटका नहीं देंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करें, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, वेरी गुड। गर्दन का सेकेंड मूवमेंट, सांस भरते हुए किसी भी साइड लेके जा सकते हैं, राइट साइड लेके जाए या लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए अदर साइड, सांस भरते हुए अगेन, सांस छोड़ते हुए। तो पूरा मूवमेंट और आपका ध्यान सांसों के साथ कनेक्टेड, ये बहुत जरूरी है योग, क्योंकि आत्मा को आप महसूस नहीं कर सकते, आप महसूस करते हैं सिर्फ सांसों को, और सांसों के जरिए ही आप अंतर मन की गहराइयों में उतर सकते हैं और अपने आप से सही मायने में जुड़ सकते हैं। तो अगला करेंगे कि हाथों को साइड में करना। अब यहाँ पर सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएं, स्पाइन को लेंथन करें, लंबा करें, नमस्कार। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं, धीरे धीरे सांस छोड़ो, धीरे धीरे हाथ नीचे, कमर गर्दन सीधी। सांस भरते हुए फिर से हाथों को ऊपर लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। गर्भावस्था में सांसों को होल्ड नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है, तो सांसें चलती रहेंगी। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, लंबी गहरी सांस। एक राउंड और करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, वेरी गुड, टू गुड। नाउ लास्ट हम करेंगे इसी सुखासन में, अगर आप कंफर्टेबल इस तरह का पोज है, या तो फिर आप पैरों को चेंज भी कर सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लीजिए। बस ध्यान क्या रखना है कि जो आपका डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, जो आपका डिस्टेंस है ग्राउंड से वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ट्विस्टिंग करेंगे, ट्विस्टिंग करने के लिए फिर से हाथ साइड में, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके गए, जेंटल ट्विस्टिंग, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट अपने राइट साइड, तो अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड पीछे लेके गए, और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट नहीं पर, पीछे नहीं देख रहे, अपने साइड में देखेंगे। अगर आप राइट साइड टर्न किए तो राइट साइड देखेंगे, यहाँ पे रुके,
फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांसों को बिल्कुल होल्ड नहीं करना, सांसें चलती रहती है, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट अदर साइड, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अदर साइड ट्विस्ट Now, हाथों को ध्यान मुद्रा में या फिर चिन्ह मुद्रा में जो भी आपको कंफर्टेबल है हाथों को रख सकते हैं। आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी, आपकी जो स्पाइन है वो गर्दन से गुजरते हुए आपके सिर के निचले हिस्से में एंड होती है, तो आपकी गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। और शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद, 3 बार लंबी गहरी सांस लेना छोड़ें। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। दूसरा आसन है मर्जरी आसन, इसे कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं, और इसे करने के लिए अपने मैट पर घुटनों और हाथों के बल आ जाएं। अलाइनमेंट का ध्यान रखेंगे ताकि आपको कोई इंजरी ना हो, प्लस आप इस आसन का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। तो अलाइनमेंट है कि आपके घुटने और हिप एक लाइन में रहेंगे, आपकी कलाई और कंधे एक लाइन में, हाथ के पंजे खुले हुए, हाथों के बीच में कंधे जितनी दूरी और घुटनों के बीच में अपने हिप जितनी दूरी रखेंगे। पैर के पंजे फ्लैट भी रख सकते हैं और अंदर भी रख सकते हैं। अगर आपके घुटने दुखते हैं या दर्द है तो उसमें टॉवल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टॉवल अपने घुटनों के नीचे रख दे और फिर से अलाइनमेंट चेक कर लें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन नीचे नहीं रहेगा, गर्दन ऊपर नहीं रहेगा, गर्दन को भी सीधा रखें। तो टेल बोन से लेके पूरा स्ट्रेट रखेंगे अपनी स्पाइन को। अब इसी में एक जेंटल सा मूवमेंट देंगे, सांस भरते हुए कमर नीचे, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर लेके जाएं और गर्दन नीचे, सांस भरते हुए। इसे कम से कम 5 to 10 राउंड्स करेंगे सांस छोड़ते हुए। तो ये बहुत अच्छे से हमारी स्पाइन की मसाज करता है, हमारे रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, हमारे कोर को मजबूत करता है, उसमें लचीलापन लेकर आता है। जैसे एक बच्चा अपनी नाभि से जुड़ा हुआ होता है और उसे सारा पोषण मिल रहा होता है, नरिशमेंट मिल रहा होता है उस नाभि से, उसी तरीके से इस आसन के जरिए हम अपने कोर से जुड़ सकते हैं, अपनी नाभि से जुड़ सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सांसों के साथ 2 बार और करेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, एक जेंटल मूवमेंट, सांस भरते हुए पूरा ध्यान अपनी स्पाइन पर रखें, सांस छोड़ते हुए। और हम इसी में करेंगे इसका वेरिएशन, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही वेरिएशन करेंगे, अगर आप थक रहे हैं तो वेरिएशन को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो वेरिएशन क्या है इसका, कि इसी पोजीशन से सिंपली सांस भरते हुए अपने राइट लेग को पीछे की तरफ से ऊपर उठाएं, पैर के पंजे बाहर। अब अगर इस पोज में आप कंफर्टेबल हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, 5 ब्रेथ्स रुकेंगे, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। जब 5 ब्रेथ्स कंप्लीट हो जाए तो धीरे से नीचे आ जाएं। आप उससे पहले भी नीचे आ सकते हैं अगर आप थकने लगे तो। दूसरे लेग से रिपीट करेंगे, सांस भरते हुए लेफ्ट लेग अप,
अगर कंफर्ट है तो हाथों को भी रेस कर लें सामने की तरफ से। सामने की तरफ देखें और 5 ब्रेथ्स कंप्लीट हो जाए तो धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये आसन आपके बैक पेन को रिलीव करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, प्लस आपके हिप्स की और बैक की मांसपेशियां, कंधे और कलाई की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। तो बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ और उसका नाम है शशांक आसन, चाइल्ड पोज। तो चाइल्ड पोज मर्जरी आसन से जाएंगे। यहीं से अपने घुटनों को मैट जितनी दूरी पर खोलें, पैर के पंजों को पीछे मिलाएं, धीरे धीरे अपने हिप को हील से लगा दें। यहाँ पे हमारे पैर खुले हुए तो हमारे जो बेबी है, जो एब्डोमेन है, उसको स्पेस मिलता है, यूट्रस को स्पेस मिलता है, और हम जितने भी योग आसन कर रहे हैं वो बच्चे को और अपने को नरिश करने के लिए कर रहे हैं। धीरे से यहीं से हाथों को लंबा करें, स्पाइन को लंबा करें और हेड डाउन। अब यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। तो इस आसन में बहुत अच्छे से माइंड रिलैक्स होता है, बिकॉज ये हल्का सा इन्वर्जन है, आपकी हिप ओपनिंग होती है, तो हिप ओपनिंग होने की वजह से जो यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर रहता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होती है, प्लस माइंड रिलैक्स होता है, तो जो हमारा मेन क्यून ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, उनकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, तो जो हार्मोन सिक्रेशन है हमारी बॉडी में वो बेहतर हो जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी है, हमारे सारे जो हार्मोन्स हैं, सारे ग्लैंड्स हैं, उनका अच्छे से वर्क करना। और ये शशांक आसन हमारे तनाव को भी कम करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए, और अगर आपको तनाव हो रहा है तो आप इस आसन से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस आसन में कम से कम 5-10 ब्रेथ्स रुकेंगे। अगर आप इस तरीके से रुकने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप पिलो का या फिर इस तरीके से रोल करके अपने मैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट सिंपली रिलैक्स, इसको अपने फॉरहेड के नीचे ले आए एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अपनी बॉडी को सरेंडर कर दो, माइंड रिलैक्स, ब्रेथ रिलैक्स एंड रिलैक्स योर बॉडी। हो सकता है कुछ लोग को ये आसन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बिकॉज हमारे लेग पूरी अच्छी तरीके से बेंट है, तो आप इसका वेरिएशन भी कर सकते हैं, जो कि है उत्तान शीर्षासन आसन। उसको करने के लिए जैसे आप मर्जरी आसन में थे, अब यहीं से अपने हाथों को आगे लेके जाएं, हेड डाउन, अपने एल्बो को डाउन कर दिया। अब अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो अपने हेड को डाउन कर दें और हाथों को फर्दर एक्सटेंड कर दें। फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी तो चेस्ट को भी नीचे लेके जाएं। अगर इसमें कंफर्ट नहीं मिल रहा है तो आप अगेन अपने मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैट पे अपने सिर को लगा दें एंड रिलैक्स। किसी भी तरीके से आप रिलैक्स हो सकते हैं एंड रिलैक्स। तो ये जो हल्का सा इन्वर्जन सा इन्वर्जन है, ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है, तनाव को कम करता है और आपके हॉर्मोन्स को बेटर करता है, प्लस आपके हिप और स्पाइन को मजबूत करता है, तो
शायटिका की प्रॉब्लम है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाती है। प्लस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे मेल फीमेल दोनों के शरीर में, उनकी भी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, फर्टिलिटी को बैलेंस करता है। चौथा आसन है बद्ध कोण आसन, इसे कॉबलर पोज भी बोलते हैं। और इसे करने के लिए दोनों पैरों के तलवों को इस तरीके से मिलाएं, अपने घुटनों को मैट की तरफ पुश करें, उतना ही पुश करेंगे जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करती है, जितना भी शरीर का लचीलापन है उतना ही पुश करेंगे, जरूरत से ज्यादा पुश नहीं करेंगे। हील को जितना अपने हिप के पास लेके आ सके लेकर आए, कमर गर्दन सीधी, हाथों को हील के पास रख दें और धीरे से आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। तीन बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। पूरा ध्यान अपने यूट्रस पे रखना है, अपने नाभि के एरिया पे रखना है। एक बार और लंबी गहरी सांस लें, तो इसे कंटिन्यू करेंगे कम से कम 5 से 10 सांसें इस आसन में आपको रुकना है। बहुत अच्छा आसन है गर्भावस्था के लिए, क्योंकि गर्भावस्था में खासकर पहली तिमाही में बहुत सारा रक्त संचार आपकी गर्भाशय की तरफ हो रहा होता है, क्योंकि वहां पे एक बहुत सूक्ष्म डेवलपमेंट चल रहा है। तो जैसे लक्षण भी हमारे इस तरीके से हैं कि पहले ट्रिमेस्टर में कमजोरी हो जाती है, थकान होती है, उल्टियाँ आती हैं, नौजिया आती है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। और गर्भावस्था में यूट्रस की तरफ ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से जो बाकी अब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो आपका डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन गैस की शिकायत हो जाती है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आप शॉर्ट ब्रेथनेस फील कर सकते हैं, बार बार पेशाब बनता है। तो इस आसन में अगर आप 5 से 10 ब्रेथ रुकते हैं तो ये सारी समस्याएं खत्म होने लगती हैं, इस सारी समस्याओं में आपको राहत मिलेगी। प्लस इस आसन में रुकने से आपके हिप और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हिप मजबूत होता है, पेल्विस की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो कि आपको चाइल्ड बर्थ में बहुत मदद करेंगी। और इसके अलावा बैक पेन है, जो शियाटिका पेन है, उसमें आपको राहत मिलता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं भी है तो भी ये आसन काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है। तो जैसे फीमेल्स में होता है इररेगुलर पीरियड्स है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, इनफर्टिलिटी है, या फिर मेल्स में आपके स्पर्म्स काउंट अच्छे से नहीं बढ़ रहे, स्पर्म्स की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, बेटर होती है, हिप्स की और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, और वो है हमारा गौमुख आसन। मुख आसन करने के लिए एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को लाएंगे। तो पहले लेफ्ट लेग को बेंड किया, घुटना सामने आया, अब राइट लेग के घुटने को सामने लेकर आए, तो घुटने के ऊपर घुटना, पैरों को अंदर नहीं लेके जाना है, पैर थोड़े बाहर ही रहेंगे, और कमर गर्दन सीधी। तो अपने सिटिंग बोन्स पे बैठेंगे, अपने हिप की हड्डियों पे बैठेंगे, बिल्कुल सीधा, कमर गर्दन सीधी, रिलैक्स हो गया। अब इसी में सांस भरते हुए जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए बैठ करते हैं, नॉर्मल ग्रिप के साथ दूसरे हाथ को पीछे लेके जाएं, पीछे से हाथ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, अगर पकड़ में आता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप टॉवल का इस्तेमाल भी कर सकते। अब इस पोजीशन में आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने फेफड़ों की तरफ लेके जाएं और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। लंबी गहरी सांस भरें, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, एक बार और करेंगे, सांस भरें एंड एक्सहेल, रिलैक्स, सांस भरते हुए हाथ को सीधा करें, सांस छोड़ते हुए नीचे,
कंफर्टेबली नॉर्मल ब्रेथ के साथ दूसरे हाथ को वापस ले आए। तो बहुत अच्छे से गौमुख आसन हमारे फेफड़े की कैपेसिटी को बढ़ाता है और उन्हें मजबूत करता है। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्रिमेस्टर से लेके लास्ट ट्रिमेस्टर तक कभी भी आपको ब्रेथ को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्ट ब्रेथनेस हो जाती है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में भी शॉर्ट ब्रेथ फील होता है और जो लास्ट ट्रिमेस्टर होता है उसमें भी हमें कभी कभी लगता है कि सांस नहीं आ रही, सफोकेटेड फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। जैसे जैसे हमारा बच्चे का साइज़ बढ़ता है, हमारे गर्भाशय का साइज़ बढ़ता है, तो गर्भाशय का साइज़ बढ़ने से क्या होता है कि जो डायफ्राम है उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उसके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने से हमारी जो फेफड़ों की कैपेसिटी वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में हमें जो क्लेविकुलर जो हमारी मसल्स हैं, अपर बॉडी कैविटी है जो है हमारी लंग्स की, अपर का जो हिस्सा है लंग्स का, उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। और इसे दूसरी तरफ से भी करेंगे। अभी राइट लेग को बेंड किया, लेफ्ट लेग ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना लाने की कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो आ जाएगा, अदरवाइज हो सकता है थोड़ा सा ऐसे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना बेस्ट करना है। पैर थोड़े से खुले रहेंगे, अपने सिटिंग बोन्स पे बैठेंगे। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर लेके जाए, सांस करते हुए ऊपर लेके गए, सांस छोड़ते हुए बेंड, नॉर्मल ब्रेथ के साथ दूसरे हाथ को लेके जाए और पीछे से पकड़ने का प्रयास करें। अगर पकड़ में आता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप हैंकी टॉवल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर से आंखें बंद, तीन बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालें। पूरा ध्यान फेफड़ों पर रखेंगे, धीरे धीरे सांस भरें और धीरे धीरे सांस बाहर। रिलैक्स, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर आए, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, नॉर्मल ब्रेथ के साथ राइट हैंड को सामने ले आए। तो आमतौर पे जो हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी है, एक हेल्दी अगर हम एडल्ट की बात करें तो 6 लीटर तक हम सांस ले सकते हैं, लेकिन हमारे पॉस्चर डिफेक्ट की वजह से हम सिर्फ 2 से 3 लीटर ही सांस ले पाते हैं। हम में से अधिकांश लोग की यही हालत है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान गौमुख आसन काफ़ी लाभदायक है और इसका नियमित अभ्यास आपको पहले ट्रिमेस्टर से ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस ना हो, जो आपको सफोकेशन होती है, ब्रेथलेसनेस फील होती है, वो आपको महसूस ना हो और आपकी प्रेगनेंसी सुखद हो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी आपका अनुभव है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचे और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्ते।